बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ। उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि मेरे चैनल पर आप लोगों को 9th क्लास मैथ और फिजिक्स के लेक्चर्स और कंप्यूटर के हवाले से, यानी कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है और नेक्स्ट इन फ्यूचर आने वाला है, तो वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो देख लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्लास 9th मैथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की कि कौन सी एक्सरसाइजेज करें। आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि ये चार एक्सरसाइजेज अगर आप लोग कर लो तो इन चार एक्सरसाइजेज से आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और एक थ्योरम आता है और थ्योरम भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस चैप्टर में से थ्योरम करना है, ताकि आप लोग इजीली जो है वो पूरे नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में से आ सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है 9 नंबर का एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और 9 नंबर का अगर एक क्वेश्चन हो तो 9 2 18 9 3 27 इस तरह का आप लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, और थ्योरम के जो है वो पूरे के पूरे 9 नंबर होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे आइडिया देता जो कि इसके मुताबिक क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन में से कौन कौन सी एक्सरसाइजेज में से आते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये भी बताऊंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उसका ए पार्ट 1 चैप्टर में से होता है और बी पार्ट 2 चैप्टर में से होता है। लॉन्ग 2 जो होता है वो उसका पहला पार्ट 3 चैप्टर में से होता है और दूसरा पार्ट यानी कि बी पार्ट 4 चैप्टर में से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इन पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन का बताऊंगा और आखिरी जो लॉन्ग होता है ना, ठीक है, वो होता है थ्योरम। वो क्या होता है? थ्योरम भी आप लोगों को बताऊंगा कौन से चैप्टर में से आप लोगों ने करना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 करनी है, इसका या तो क्रैमर रूल करना है या फिर इन्वर्जन मेथड, ये दोनों आपको के कर लो। इसके 8 क्वेश्चन से 8 के 8 कर लो, 8 में से 1 पक्का आता है, गारंटी शुदा बात होती है, 99.9% इंशाल्लाह पक्का यकीन होता है कि इन्हीं में से पहला पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन 1 का 2.4 में से, 2.4 के टोटल के 4 क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। पहले पार्ट का पहला दूसरा हो जाता है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पहला दूसरा पार्ट हो जाता है, ये 4 क्वेश्चन है। अगर इसके अलावा अगर कोई चीज मैं बताऊं आप लोगों को तो उसमें जो चीज आ जाती है वो आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज में, जो 2.4 की तरह 1-2 क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों ने कर लेने। 2 एक्सरसाइज हो गई है, उसके बाद आपने करनी है 3.4 लॉग वाले क्वेश्चन, इसमें से गारंटी शुदा बात पक्की बात होती है कि 1 क्वेश्चन इसमें से आता है। उसके बाद अगर 4th चैप्टर की बात करूं तो मोस्टली चांसेस होते हैं 4.2 में से क्वेश्चन आए, यानी कि 4.2 में फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हीं में से चांसेस होते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाए। उसके बाद अगर मैं थ्योरम की बात करूं तो थ्योरम आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 12, 6 थ्योरम है, 6 थ्योरम को एक एक दफा आप लोग देख लो। और अगर आप लोग चैप्टर नंबर 12 के 6 थ्योरम और ये 4 एक्सरसाइजेस करते हो तो आप लोगों को बाकी किसी भी जो चैप्टर्स हैं उनकी किसी भी एक्सरसाइज को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे ये होगा कि आप लोगों की जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा देंगे और ज्यादा नंबर आप लोग आने के चांसेस होंगे, 75 में से 75 नंबर आने के चांसेस बन जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के फिर आ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, बाकी भी सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे टिक करें ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।